बहुत चुल मच रही है वन लेग स्क्वाट ट्राई करने की नाओ आपको एक सीख मिल सकती है, देखते है कि देखते हैं कितने टाइम में 17 दोबारा पहुंचता है सिर्फ एक सेट लगाया है सांस चढ़ रही है me, आज है 24 मार्च 2024 और ये फिजिक जो मेरी आप देख रहे हो ये चार हफ़्ते बिना कोई एक्सरसाइज के बाद है बिना एक भी सिंगल रैप किसी भी एक्सरसाइज का मेरा एक्सीडेंट हुआ था अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देख रहे हो या इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो आपको पता चल जाएगा नियर डेथ एक्सपीरियंस था मैंने चार हफ्ते तक कोई एक्सरसाइज कोई सिंगल रैप भी नहीं लगाया और अपने आप को खुद भी फ्लैक्सिंग करता हुआ पहली बार मैं देख रहा हूँ चार हफ़्ते बाद ये बिल्कुल नेचुरल स्टेट में है कोई मैंने वर्कआउट अभी नहीं किया है पंप नहीं किया है इसके बाद मैं वर्कआउट करूँगा चलिए नाप लेते हैं बाइस कितने आते हैं सिक्सटीन ओके दैट्स डीसेंट बाइसेप्स के साथ साथ वेस्ट नापना भी बहुत जरूरी है इट इज कमिंग आउट टू बी 34.5 फोर पॉइंट फाइव इंचज इन रिलैक्स वार्म अप शुरू करता हूँ बैंड से थोड़ा कॉन्फिडेंस में कमी लग रही थी तो इसलिए टी शर्ट पहन ली मैंने और ये मेरे लिटरली पहले रेप्स थे वार्म रेप्स विद दीज दिस बैंड दिस इज फॉर माई प्रोटीन बाई द वे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा ट्रेनिंग असेसरीज सप्लीमेंट्स कपड़े ये शॉर्ट्स आर फॉर माई प्रोटीन एज वेल सप्लीमेंट्स के अलावा यू कैन बाई एंड यूज़ कोर्ड दमन फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट्स ये बहुत अच्छी क्वालिटी के एज कम्पेयर टू वन वी गेट इन इंडिया अमेजोन वगैरह से जो मिलते हैं उनसे बहुत अच्छी क्वालिटी के तो दिस विल बिल लिटरली माई फर्स्ट रैप इन फोर ईयर्स विद डबल्स और सॉरी फोर वीक्स तो जस्ट फाइव के जी डम्बल्स आई एम एक्चुअली सरप्राइज के आई है और वेस्ट में भी ज़्यादा गेन नहीं किया है चार हफ्तों में बिकॉज खाना देख के खा रहा था आपने देखा ही होगा ये इंजरी होना मैंने एक्सक्यूज नहीं बनाया कि टू ईट वट एवर शेट स्टिल कंट्रोल वे में खा रहा था ढंग से खा रहा था कोई नाप के नहीं लेकिन हाँ प्रोटीन डेढ़ सौ ग्राम फिर भी खा रहा था मैं 85 फाइव के जी वज़न होगा मेरा कुछ तो इवन नॉट ट्रेनिंग बट स्टिल ईटिंग एटी फाइव ग्राम्स ऑफ वन फिफ्टी ग्राम्स ऑफ प्रोटीन नाउ आपको एक सीख मिल सकती है कि जब आप जिम छोड़ते हो तो सेकेंड फैक्टर डाइट का कम से कम वो मत छोड़ा करो तो आप दोनों तरफ से आपको मारनी पड़ेगी ठीक है 16.5 पॉइंट फाइव इज द बाइस साइज वैसे मेरा 16.9 या 17 रहता है ऐसी रिलैक्स स्टेट में जस्ट हाफ इंच लूज़ हुआ है आप बोल सकते हो इट्स फाइन जब मैं ट्रेनिंग प्रॉपर करूँगा आप खाऊँगा हाथ से तो दोबारा बहुत जल्दी रीगेन हो जाएगा देखते हैं कितने टाइम में सेवनटीन दोबारा पहुँचता है आई थिंक मे बी थ्री थ्री वीक्स दोबारा उतना गेन हो जाएगा और इतने टाइम बाद एक्सरसाइज करने के जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है आपकी ओबियसली सिर्फ एक सेट लगाया है सांस चढ़ रही है शायद बोल रहा हूँ इसलिए भी हम वो ना डू द वर्कआउट जस्ट फॉर फिफ्टीन मिनट्स आई गेस बहुत होगा स्टार्ट स्लो हफ्ते में तीन से चार सेशन करूँगा बस लेग वर्कआउट तो कर नहीं सकता ऑब्वियसली <laughs> आज संडे है तो आईपीएल भी चल रहा है राजस्थान रॉयल्स वर्सेस आई डोंट नो बिच टीम ओके, okay. देखते देखते पहली विकेट मिल गई है बटलर की शायद किसी को मेरी फिजिक देख के शक लगे कि मे बी मैं ट्रेनिंग कर रहा था ये चार हफ्ते और झूठ बोल रहा हूँ बिकॉज फिर भी अच्छी कंडीशन में थी बॉडी तो उनको बता दूँ अगर आपको ये लग रहा था कि झूठ बोल रहा हूँ तो अब लगातार ट्रेनिंग करूँगा दो तीन दो हफ्ते उसके बाद देखना फ़र्क देखना कितना आएगा ठीक है तो यू विल नो द डिफरेंस और मेरा ना करने का कारण क्या था ऑब्वियसली ये लात को मैं हील कर रहा था ज़्यादा पंगे लूँगा डंबल वम्बल से हर्ट नहीं होना चाहता दूसरी बात यो जो मेरे फेस पे स्टिचेस लगे हैं इनमें क्या होता है कि तुम इसको अगर बेटर हील करना चाहते हो तो अपने फेस पे स्ट्रेस नहीं डालोगे तो ऑब्वियसली इनिशियली वर्कआउट जब आप करते हो आप जान लगाते हो तो फेस पे भी स्ट्रेच आता है तो इनिशियली स्टेज पे ये करना लॉन्ग टर्म इसको ख़राब करेगा शायद इसमें स्कार बड़ा फॉर्म हो सकता है जो कभी जाएगा नहीं सो आई वॉज ट्राइंग टू टेक प्रिकॉशंस कि बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करूँगा ठीक है तो so इवन अभी भी जब मैं करूँगा तो मैं ज़्यादा टफ नहीं करूँगा ताकि मेरे फेस पे ज़्यादा जान लगने का जो स्ट्रेस होता है वो ना आए खिंचाव ना आए एंड आल्सो टू सी हमारी बॉडी कितनी कैपेबल है क्योंकि ये पहली बार होगा कि मैं चार हफ्ते का ब्रेक लिया कितने सालों में और देखता कि फिजिक कितना फ़र्क आता है अगर आप ट्रेनिंग नहीं करते हो कोई ख़ास नहीं आपको भी इस वीडियो से सीख मिलेगी कि एग्ज़ाम आते हैं दो हफ्ते के लिए तीन हफ़्ते के लिए कहीं जाते हो घूमने इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है जस्ट प्रोटीन इनटेक अपना पूरा रखो ऐसे मैं रख रहा था फिजिक मेंटेन रहेगी इट्स दैट इजी मसल को जैसे कि गेन करना इतना आसान नहीं होता वैसे ही मसल को लूज़ करना भी इतना आसान नहीं होता अनलेस आप ट्रेनिंग भी छोड़ दो दूसरी तरफ से प्रोटीन भी छोड़ दो ठीक okay. ah, like है दैट इज व्हाई प्रोटीन इज इंपॉर्टेंट दैट इज व्हाई बाय माय प्रोटीन फ्रॉम लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड यू स्कोर दमन ओके आह एनफ टॉक हैमर कर्ल दीस आर हैवी लाइक 15 किलो के डंबल हैं यार ये 15 या 17 के लेट्स सी दिस इज इट और जाते जाते यार बहुत चूल मचरी है वन लेग स्क्वाड ट्राई करने की अब ये एच सी होता है कि नहीं एक ही ट्राई करूँगा पैर नीचे लग गया हाँ कोई बात नहीं दोबारा ट्राई करते हैं एक और ठीक है ये वाह गुरु चलो जाने बात फर्स्ट पिस्टल स्क्वाट इन फोर वीक्स ट्राई अगेन पैर नहीं लगा नीचे देखो I want to thank me for believing in me. I want to thank me for doing all this hard work. I want to thank me for having no days off.